हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि देर आर फाइव मेजर कंट्रीज ऑफ विस्की प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहला नाम आता है स्कॉच विस्कीज का, जो कि स्कॉटलैंड में बनती है। उसके बाद अमेरिकन विस्कीज, देन कैनेडियन विस्कीज, देन आयरिश विस्कीज एंड देन जापनीज विस्कीज। लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज विस्की प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आज के टाइम पे इंडिया का भी नाम है। इवन आई कैन से सिंस लास्ट डिकेड इंडिया इज होल्डिंग इट्स हैंड इन विस्की सेगमेंट। कुछ गिने चुने इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा खासा कर रहे हैं विस्की सेगमेंट में, इवन इन पांचों कंट्रीज को टक्कर दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है पॉल जॉन डिस्टिलरी का, जो कि गोवा से बिलोंग करती है। उसके बाद नाम है अमरुद डिस्टिलरी, जो कि बेंगलुरु से बिलोंग करती है, और इंद्री, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इसकी जो डिस्टिलरी है, हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है इंद्री। सो वहीं पे इसकी डिस्टिलरी है, इसीलिए इस विस्की का नाम इंद्री दिया गया है। इवन इंद्री का दूसरा एक मीनिंग भी है, इन संस्कृत इंद्री मतलब फाइव गोल्डन सेंसेस। ये एक सिंगल मॉल्ट विस्की है और रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। बहुत सारे अवार्ड से इसको नवाजा गया है। वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम विस्की सेगमेंट में रोशन कर रही है। इस विस्की की खासियत यह है कि इसको बहुत ही प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जाता है। इसको बनाया जाता है इंडियन बार्ली से। जनरली इंडिया में जो विस्कीज बनाई जाती है, ये बनती है मोलासेस से। मोलासेस ये एक, जब शुगर केन जूस से शुगर को बनाया जाता है, तब एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है, जिसको मोलासेस कहते हैं। ये मोलासेस काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए इंडियन विस्कीज भी काफ़ी सस्ती होती है फ्रेंड्स। लेकिन जो स्कॉच विस्कीज जो हम पीते हैं, उसमें मोलासेस का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता। उनमें ग्रेन्स या फिर बार्ली का यूज़ किया जाता है, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम इंग्रेडिएंट है। सो वैसे ही इस विस्की में इंडियन बार्ली का यूज़ किया गया है, मोलासेस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया। इवन आई कैन से जो जो इंग्रेडिएंट्स इस विस्की में यूज़ किए गए हैं, वो काफ़ी प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स है। सो आज इस विस्की का रिव्यू करके मैं आपको बताऊंगा ये विस्की पीने में कैसी है। ये एक नॉन चिल फिल्टर्ड विस्की है, मतलब चिल फिल्ट्रेशन से इस विस्की को नहीं उतारा गया। सो क्या होता है ये चिल फिल्ट्रेशन प्रोसेस? मार्केट में जितने जितने विस्कीज है, ऑलमोस्ट 95% विस्कीज आई कैन से कि वो चिल फिल्टर्ड ही रहते हैं। जब भी विस्कीज बनाई जाती है, सो उसमें कुछ फैटी एसिड्स रहते हैं। जब पानी उस विस्की में हम ऐड करते हैं, सो उस विस्की का जो कलर है, वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है या फिर वाइटिश बन जाता है। सो बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए ये जो फैटी एसिड्स है, ये उस विस्की से निकाले जाते हैं। उसकी वजह से चिल्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। हालांकि ये जो फैटी एसिड्स है, वो बॉडी के लिए हेल्दी रहते हैं, लेकिन सिर्फ विस्की का कलर चेंज ना हो जाए पानी ऐड करने के बाद, इसीलिए उनको निकाला जाता है बाय दिस चिल्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सो दिस विस्की इज नॉन चिल्ड फिल्टर्ड। इस विस्की में वो फैटी एसिड्स मौजूद है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। सो इस विस्की में आप अगर पानी ऐड करेंगे, तो इसका जो कलर है, ये थोड़ा सा वाइटिश बनने वाला है। इस विस्की को मैच्योर किया गया है फर्स्ट फिल बर्बन कास में, उसके बाद फ्रेंच वाइन कास में, एंड देन एक्स शेरी कास में। फ्रेंड्स, सो शेरी कास जो होते हैं, ये वाइन के कास्क होते हैं। उनमें सबसे पहले वाइन बनाया जाता है, और वाइन बनने के बाद वो जो कास्क है, वो कास्क इन डिस्टिलरीज को सेल किए जाते हैं। तो शहरी कास्क में जब इन विस्कीज को एज किया जाता है, तो ये जो विस्कीज है, ये काफ़ी डिलीशियस और यूनिक बन जाती है। सो लेट्स टेक अ लुक ऑन द बॉक्स। तो फ्रेंड्स, बॉक्स की अगर बात करें, ये काफ़ी प्रीमियम बॉक्स है, कार्डबोर्ड का बॉक्स है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर है, ये बहुत ही प्रीमियम दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिकाडिली सिंस 1967 इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये जो डिस्टिलरी है, ये 1967 में बनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये काइंड ऑफ एम्बॉस्ड है इंद्री। सो नीचे इन्होंने दिया है सिंगल मॉल्ट विस्की, नॉन चिल्ड फिल्टर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, नो एडेड कलर्स। सो फ्रेंड्स, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे अवार्ड्स इस विस्की को जो मिले हैं, इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। पीछे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, सो मैं इतना पढ़ के आपको नहीं बताऊँगा। फ्रेंड्स, बॉटल की अगर बात करें, ये काफ़ी प्रीमियम बॉटल है। नीचे आप देख सकते हो, इतना बड़ा सा ऐसे गैप दिया गया है, ये कि ग्लास का गैप है, जो इस विस्की को थोड़ा सा हेवी बना रहा है, लेकिन बहुत ही प्रीमियम बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने सेम पिकाडिली यहाँ पे दिया है, इंद्री लिखा हुआ है।
यहाँ पे इन्होंने सेंसेस बताए हैं, जो इंद्रिय जो होती है, जो 5 गोल्डन सेंसेस है, स्मेल, टेस्ट, टच, साइट, साउंड। दिस विस्की कम्स विथ 46% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल स्ट्रेंथ। ये 750 ml की बॉटल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिकाडिली, ये यहाँ पे एम्बॉस्ड है इस ग्लास पे, और इस विस्की को कॉक दिया गया है। सो ऑब्वियसली ये कॉक तो आना ही है, दिस इज़ प्रीमियम विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की, सो दैट इज़ रियली ग्रेट अबाउट दिस विस्की। लेट्स पोर सम विस्की इन द ग्लास। सो फ्रेंड्स, कलर की अगर बात करें, आप देख सकते हैं दिस इज रिच एम्बर कलर, और इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया। सो लेट्स नोज इट। अ वेरी गुड हिंट ऑफ ब्लैक टी। आई एम ऑल्सो गेटिंग वेनिला। A good hint of raisins and spices. I'm also getting honey. Honey ki bhi notes aa rahe hai. Let's take it on the palate. Excellent. Friends, this whiskey is really delicious. बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो कि मेरे पैलेट पे मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जिसमें आई कैन से बर्न रेजिन्स, इवन बर्न पाइन एप्पल्स, जिनको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। एंड दिस विस्की इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसीनेस एंड स्वीटनेस। सो ऑब्वियसली 46% इसका अल्कोहल स्ट्रेंथ है। सो आपको ये, आप ये नीट ना पिए तो अच्छा है, इसमें थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड करके इसको पी सकते हो। फ्रेंड्स, इफ़ यू कंपेयर दिस विस्की विथ पॉल जॉन ब्रिलियंस, आई कैन से कि मुझे पॉल जॉन ब्रिलियंस ज़्यादा पसंद आई। प्राइजिंग की अगर बात करें, सो इस विस्की की जो प्राइस है, ये आपको मिल जाएगी अराउंड 3,000 to 6,000 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। रेटिंग की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, सो इसको मैं दूंगा 9.2 out of 10। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड ड्रिंक इन अ लिमिट। जय हिंद।